सैटरडे मॉर्निंग काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एंड आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई ऑफर आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। वैसे आप लोगों को बता दूं कि हमारे आज के एपिसोड में बात करने वाले काफी फेमस एंड काफी मस्कुलर डॉग ब्रीड के बारे में जो है अमेरिकन बुली। तो फ्रेंड्स ऑफर्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक तो ऑलरेडी उन्होंने इनका प्राइस काफी अफोर्डेबल रखा है, सेकंड चीज इनमें इनके फादर जो है वो भी सेल के लिए अवेलेबल है, एंड थर्ड चीज अगर आप लोग पूरे लीटर को एक साथ परचेज करते हैं तो ये आप लोगों को होलसेल प्राइस में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पपीज आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिले तो उसके लिए आप लोगों को ये सभी पपीज एक साथ परचेज करने होंगे। वैसे पपीज के कलर्स को लेकर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि ब्राउन, ग्रे, ग्रे एंड व्हाइट, एंड पपीज जो है ये ब्लू आईज में है। वैसे कुछ लोगों की स्पीशल यही डिमांड होते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू आईज में पपीज चाहिए। वैसे ब्लू आईज आप लोगों को ज्यादा डॉग ब्रीड में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ ये कुछ सिलेक्टेड डॉग ब्रीड है जिनमें आप लोगों को ब्लू आईज के पपीज मिल जाते हैं। एंड गाइस आप में से जिन लोगों को भी अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड परचेज करनी है और वो भी काफी रीजनेबल प्राइस में, तो भाई आप लोगों को चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस पर आप लोगों को सभी डॉग ब्रीड की वीडियोस मिल जाती हैं और वो भी काफी कम प्राइस में। बाकी साथ में बेल के आइकन को जरूर ऑल पर करें ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि इन पपीज के जो फादर हैं वो भी सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो ये देखिए गाइस ये है वो डॉग जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और डॉग का हेड साइज भी काफी हैवी है। तो अगर आप लोग एडल्ट अमेरिकन बुली परचेज करना चाहते हो तो भाई ये डॉग आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है और वैसे रिजल्ट आप लोग इसका देख ही चुके हैं जो कि काफी अच्छा है। बाकी दोस्तों ये जो अमेरिकन बुली है इसका साइज, इसकी एज और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है और ना ही मुझे ये कंफर्म है कि डॉग कितना अग्रेसिव है और कितना फ्रेंडली, ये सभी चीजें उन्होंने आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। बाकी इसके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड किया वो किया 18,000 पीस यानी 18,000 रुपए, बट प्राइस नेगोशिएबल है, आप लोग बार्गेनिंग करके भाई प्राइस कम करा सकते हो। तो एडल्ट डॉग के बाद वापिस से बात करते हैं छोटे पपीज के बारे में। तो फिर पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं तो जब आप लोग डायरेक्ट जाओगे तो मदर को भी लाइव देख सकते हो या फिर अगर आप लोग चाहे तो ओनर को वीडियो कॉल करके भी इन पपीज को लाइव देख पाओगे। वैसे तो मैटिंग की वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल है बट वो मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये पपीज 36 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है संगम विहार पदरपुर बॉर्डर दिल्ली एनसीआर से। एंड गाइस डिलीवरी को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि ओनर खुद से डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है भाई डायरेक्ट ओनर के पास जाकर पपीज को परचेज करने का तो ही आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करें। बाकी फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 11,000 पीस 11,000 रुपए एंड फीमेल की 9,000 पीस यानी 9,000 रुपए। पर जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप लोग पूरे लीटर को परचेज करते हो तो ये पपीज आप लोगों को होलसेल प्राइस पर मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छी बात है। एंड गाइस अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।